रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बेगूसराय से ये बड़ी खबर मिल रही है, प्राइमरी स्कूल में छात्रों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बेगूसराय से बता रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में छात्रों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बदले बच्चों से पैसे लेने का आरोप लगा है। टीसी के बदले 200 से 400 रुपए लेने का आरोप लगाया गया है और स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों का ऑडियो वीडियो भी सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे बेगूसराय से, जहां पर प्राइमरी स्कूल में छात्रों से अवैध वसूली का ये मामला है, जिसमें कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बदले बच्चों से पैसे लेने का आरोप लगा है और टीसी के बदले 200 से 400 रुपए लेने का आरोप लगा है इन पर। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों का वीडियो भी सामने आया है। ये जानकारी बेगूसराय से। खाली 30 लिखे ना सर जी, बोले 100 रुपया कौन चीज ले रहे हैं? हिसाब ले लिया, हिसाब लेने वाला बात ना है। बोल रहा है कि सर जी 100 रुपया हम ले रहे हैं टीसी के, टीसी सरकार नहीं देते हैं, यह नाम चढ़ेगा ऑनलाइन करवे कागज देकर भेज के ऑनलाइन। सर जी बोले 100 रुपया कौन चीज ले रहे हैं? हिसाब ले लिया, हिसाब लेने वाला बात ना है। बोल रहा है कि सर जी 100 रुपया हम ले रहे हैं टीसी के, टीसी सरकार नहीं देते हैं, यह नाम चढ़ेगा 30, खाली 30 लिखे ना सर जी, बोले 100 रुपया कौन चीज ले रहे हैं? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जिवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिवेश, देखिए प्राइमरी स्कूल का ये मामला है जिसमें छात्रों से अवैध वसूली किया जा रहा है, ये वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया है, पूरा मामला क्या है बताएं? बिल्कुल लक्ष्मी, मैं बता दूं कि जिस तरह से ये वीडियो तेजी से एक्सक्लूसिव वीडियो जो तेजी से न्यूज स्टेट के हाथ लगी है, इसमें तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राचार्य के द्वारा जो है तो टीसी के अवैध में बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है। तकरीबन 200 से 400 रुपये की वसूली धड़ल्ले से की जा रही है। बच्चे इसका विरोध भी कर रहे हैं लेकिन वो ऑनलाइन का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीरें आई हैं, निश्चित रूप से एक बार फिर शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर और शिक्षा विद्यालय के कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तस्वीर में जिस तरह से बच्चों के द्वारा जो पैसे दी जा रही है और अवैध में प्राचार्य जो वसूली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर सरकार के वो सुशासन के दावे की पोल खोल रही है जिसका सीएम इन दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा करते आए हैं। जी जीवेश, क्या ये मामला किसी अधिकारी के संज्ञान में है? बिल्कुल, मैं लक्ष्मी बता दूं कि जिस तरह से वीडियो एक्सक्लूसिव न्यूज स्टेट के पास आई, इसको लेकर हमने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन लगाया, हालांकि उन्होंने फोन नहीं उठाया लेकिन मैसेज के द्वारा उन्होंने रिप्लाई दिया है कि मैं एक घंटे के बाद आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, बात हुई इतनी बड़ी मामले को हमने उनको जी किस अधिकारी से बात हुई जिन्होंने कहा एक घंटे के बाद बात करेंगे? हमारी टेलीफोनिक वार्ता जिला शिक्षा अधिकारी बेगूसराय से हुई, हालांकि वो अभी मीटिंग में है लेकिन उन्होंने मैसेज के द्वारा रिप्लाई दिया कि हम एक घंटे के बाद इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुशासन का पोल खोल रहा है। और ये जो टीसी के बदले 200 से 400 रुपए लेने का आरोप है, कितने रुपए ले रहे हैं ये लोग हर बच्चे पर? तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में 200 रुपया बच्चों ने प्राचार्य को दी है और प्राचार्य ने उसके अवैध में टीसी काटते हुए जो सीन दिखाया है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल ये बेगूसराय के प्रखंड के पास स्थित उर्दू ये प्राथमिक मकतब विद्यालय का तस्वीर है जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जिला प्रशासन की पोल खोल रही है। बिल्कुल जिवेश, देखिए ये जो अभी मामला सामने आया है वो बेहद दुखद है क्योंकि देखिए शिक्षा का इस तरीके से व्यापार किया जा रहा है यहाँ पर। जी कहा जा सकता है लक्ष्मी, जिस तरीके से पैसे उगाही करके बच्चों को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा रहा है और व्यवसायीकरण किया जा रहा है, कहा जा सकता है हमारे साथ उर्मिला राय जुड़ गई हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी। उर्मिला जी, आपका स्वागत है न्यूज़ स्ट्रीट बिहार झारखंड पर। देखिए एक मामला सामने आया है जिसमें कि बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है, टीसी देने पर बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी जुड़ेंगे इनसे। लेकिन जिवेश, देखिए ये जो मामला सामने आया है वो बेहद दुखद है क्योंकि अगर बच्चे प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे पैसे अवैध वसूली किया जाना ये तो सरासर गलत है और ये मामला दर्शाता है कि लोग भ्रष्ट हैं, शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है।
बिल्कुल कह सकते हैं लक्ष्मी, जिस तरीके से पैसे की उगाही की जा रही है, तकरीबन दर्जनों मामले तकरीबन 8 महीने के दरमियान बेगूसराय में ऐसे आए हैं, लेकिन आज जो ये मामला आया है, जो तस्वीर सामने आई है न्यूज स्टेट के स्क्रीन पर, कहीं ना कहीं एक बार फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है शहर में, और इसको लेकर सरकार और शासन को गंभीर होना होगा ताकि बच्चों को उचित शिक्षा, सरकार की उचित योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर मिल सके। जिवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। 100 रुपये हम ले रहे हैं।